नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रसैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध देश भर में हो रहा है। इस हिंसा की आड़ में जहां राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं, तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दल हो या फिर बी टाउन के सितारे इस हिंसा को लेकर दो गुटों में बटे हुए हैं। देर शाम बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हिंसा के शिकार हुए स्टूडेंट से मिलने के लिए जेएनयू कैंपस पहुंच गई। दरअसल दीपिका अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के सिलसिले में फिलहाल दिल्ली में हैं और मंगलवार की शाम हिंसा के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस पहुंची। वो करीब 10 मिनट तक छात्रों के बीच रही। दीपिका जिस वक्त कैंपस में थी, तब कन्हैया कुमार वहां अपना भाषण दे रहे थे, साथ ही नारेबाजी हो रही थी, लेकिन दीपिका बिल्कुल शांत खड़ी रही। हालांकि दीपिका ने छात्रों को संबोधित भी नहीं किया, घायल स्टूडेंट से मुलाकात की और वहां से वापस लौट आई। फिलहाल दीपिका के इस कदम के बाद लोग दो दलों में बढ़ चुके हैं, एक जो दीपिका को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करते हुए छात्रों का समर्थन करने पर दीपिका का बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और अफजल गैंग का समर्थन करने पर अगर आप दीपिका पादुकोण की फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो रीट्वीट करें। यानी साफ तौर पर दीपिका के जेएनयू कैंपस पहुंचने पर उनका विरोध भी हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीपिका के इस कदम को साहसिक बता रहे हैं। हालांकि जेएनयू हिंसा को लेकर एक इंटरव्यू में दीपिका ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें ये देखकर बेहद गर्व होता है कि हम खुद को एक्सप्रेस करने में नहीं डर रहे हैं, चाहे फिर जो भी नजरिया हो। फिलहाल दीपिका पादुकोण के जेएनयू में 10 मिनट के साइलेंट प्रोटेस्ट ने उनकी फिल्म छपाक को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में ला दिया है, जो इसी हफ्ते रिलीज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दीपिका दिल से स्टूडेंट्स के साथ है या फिर केवल जेएनयू में पब्लिसिटी के लिए एंट्री की थी दीपिका ने। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।